इतना किसी में दम नहीं है भाई कि शाम को मगरिब के बाद, मगरिब के और ऐसा के बीच में थोड़ा मोड़ा आदमी लोग रहते हैं, चला जाता है कोई, लेकिन ऐसा के बाद किसी में दम नहीं है यहाँ पे ये पूरे इलाके में कि वो वहाँ तक चला जाए, मार्केट में नहीं जा सकता भाई। तो ये बिल्डिंग में वो आया था नीचे से, वो सीढ़ी से आके ऐसे आके ना वो दीवार पे चढ़ के वहाँ से जाके चोरी किया था। इतना सारा कचरा है भाई ये, और ये इतना इतना बड़ा तेल हम लोग ले जाते हैं 5 लीटर। तो देख लो भाई यही लेबर लोग की कुछ हाल है। और ये है मेरा रूम। और दोस्तों देखिए अभी हम चले गए तो थोड़ा सा रूम में देखिए प्यार थोड़ा सा ना काली हो गई, किसी भी वक्त ये गिर सकती है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। दोस्तों आज ये वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ ना लेबर लोग का कैंप, और मेरा भी रूम, अपना भी रूम दिखाऊंगा और लेबर लोग का भी कैंप। और ये जो हम लोग जो एरिया में रहते हैं ना, ये बहुत ही बेकार जगह है यार, बहुत ही गंदी जगह है। हम लोग को मतलब कंपनी ना बहुत सस्ते में, सस्ते के ये उठा के हम लोग को यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन क्या करें हम लोग अभी कंपनी रूम लिया तो भाई रहना पड़ेगा ना। तो हमारे एक भाई थे जो उनका नाम था कमरान अहमद 5357, वो बोल रहे थे भाई आप अपना रूम दिखाओ। तो इंशाल्लाह भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा आज दिखाने के लिए। और मैं अभी अपनी बिल्डिंग के नीचे हूँ, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ना हमारी बिल्डिंग में एक दफ़ा चोरी हो गई थी। और चोरी कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, दो बिल्डिंग में हुई थी। तकरीबन 20,000 रियाल लेके गया था, कुछ सोना था वो भी लेके गया था। और मैं वीडियो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और आज मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर किया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। और देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग है, एक ये वाली बिल्डिंग थी इसमें चोरी हुई थी, क्योंकि ये सब ना बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और देखिए ये बिल्डिंग काफ़ी दिन से खाली पड़ी है, और हम लोग की ना वो वाली बिल्डिंग है और ये काफ़ी दिन से खाली हुई है। तो ये बिल्डिंग के ज़रिए से ना देखिए यहाँ पर खिड़की उड़की वगैरह है, थोड़ा सा अंदर से लेता हूँ, देखिए कितना डेंजर दिख रहा है, कितना कचरा है, बहुत ही कचरा है। और अभी मैं अपनी बिल्डिंग के ना ऊपर चल के वहाँ से भी दिखाऊंगा ये बिल्डिंग कैसे दिखती है। ये वाला बिल्डिंग में चोरी हुआ था और हमारा बिल्डिंग में चोरी हुआ था, दोनों मिला के 20,000 रियाल लेके गया था वो। और यहाँ पे ये कुछ भाई लोग हैं, इनका टैक्सी ड्राइवर लोग रहते हैं। ये गली में ना अक्सर चोरी होती रहती है, गली में ना शाम की टाइम अगर कोई, यानी मगरिब की नमाज़ के बाद ना यहाँ पर कोई गली में टहल नहीं सकता है। अभी मैं गली दिखाया था ना उधर वाली, और जो सामने वाली जो गली है ना, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक बंदा आया था, वहाँ पे बैठ के ना 4-5 दिन हो रहा है बैठ के, वो मोबाइल चला रहा था, मोबाइल छीन के लेके चला गया, पैसा भी लेके गया। ये देखिए ये वो जो सीढ़ी है ना जहाँ पे बिल्ली बैठी है, जहाँ पे बिल्ली बैठी है ना वहाँ पे वो बैठा था, मोबाइल आया लेके चला गया। और मैं भी निकल के अपने ये वाला गेट पर बैठा था इधर, बाद में वो आके मेरे को बता रहा है। तो वो लोग अभी बिल्डिंग वहाँ से छोड़ के ना, रूम छोड़ के वो लोग शिफ्ट हो गए इसमें, ये वाली बिल्डिंग में। और ये बिल्डिंग थोड़ा ठीक ठाक है, ये बिल्डिंग अभी नई है, थोड़ा क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो हम लोग की जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही कचरा है भाई। और एक ये देख लो ना, ये भी बिल्डिंग पूरी खटारा एकदम हो चुकी है, देखिए कभी भी किसी भी वक्त ये गिर सकती है। तो दोस्तों पूरी फुल वीडियो में बने रहिएगा, चलो वीडियो में मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ मतलब लेबर लोग कैसे रहते हैं, और आज हम लोग कुछ खाने में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो भी दिखाऊँगा, पूरा किचन पूरा सब कुछ मैं अपना शेयर करूँगा, और पूरा रूम पूरा मैं शेयर करूँगा, ठीक है। चलो मैं अभी रूम के अंदर मैं जा रहा हूँ, और ये है अभी कुछ रूम जो कि अभी खाली है। यहाँ पर खज्जान है, खज्जान यानी जो पानी का जो सिस्टम रहता है, कुआं समझ लो, कुआं बोलते हैं खज्जान को, पानी आता है बलदिया का। अभी ये पूरा रूम देखो पूरा बंद है, पूरा रूम बंद है, क्योंकि अभी आदमी नहीं है ना, पूरा बंद है। चलो मैं ऊपर चलता हूँ। अभी बिलाल है इधर सामने, इधर खाना बना रहा है, और देखो कितना नाश नाश से खाना बना रहा है, क्योंकि हम लोग की बिल्डिंग में ना किचन नहीं है। तो ये देखो क्या बना रहा है बिलाल, दाल अंडा, दाल अंडा। तो ये बिलाल अभी प्याज व्याज को लाल कर रहा है, बना रहा है। और ये भी सब इसी पे एक रूम में, ये इधर आदमी रहते हैं, बाकी सब पूरा रूम बंद है क्योंकि आदमी नहीं है। तो देख लो भाई यही लेबर लोग की कुछ हाल है। अभी देखो कितना बज रहा है, 5:42 हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग ड्यूटी से आए हैं, आके खाना बना रहे हैं। और हम लोग की बिल्डिंग में ना किचन नहीं है, देखो खाना बना बना के कितना दीवार पूरा ख़राब हो गया है। तो चलो मैं अभी चलता हूँ दूसरे फ्लोर पर, चल के दिखाता हूँ आप लोग को। और इधर तनवीर है, ये भी कुछ बना रहा है खाना वाना, देखो क्या गेटअप किया है, चावल बना रहा है, और ये कुछ सालन बचा हुआ था उसको रख रहा है। और देखो मैं दिखाता हूँ ये चावल, ये रूम में एक आदमी है, बाकी पूरा रूम बंद है। और एक ये फरहाद है, ये अभी आया है, जा रहा है बांग्लादेश। देखिए पहले यहाँ पे वो बिलाल पहले यहाँ पे किचन बनाया था, तो ख़राब हो गया था सब कुछ। तो ये बिलाल का रूम है, एक इधर बेड लगा है, एक इधर है, दोनों आदमी सो रहा है, ये डबल बेड वाली बेड दिया है। तो यही है भाई हम लोग का रूम, और एक ये टॉयलेट है, बहुत छोटा छोटा रूम है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर चल के आप लोग को मैं दिखाता हूँ ऊपर से, जो नीचे बता रहा था ना बहुत गंदगी है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कितनी गंदगी है यहाँ पे। अभी ये लास्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे एक ये रूम है बंद है, ये भी रूम बंद है, ये भी रूम बंद है, ये भी रूम बंद है। पहले एक बंदा था इसमें, तो वो खाना बनाता था इधर, देख लीजिए कितना कचरा है।
और ये बाहर का देखिए बहुत ही कचरा है भाई, बहुत कचरी जगह है ये। ये सामने वाली बिल्डिंग देखिए कितनी मस्त है। और देखिए पहले मैं नीचे था, नीचे से अभी ऊपर आ गया हूँ। और ये मैं रूफ पे हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस साइड में, इस साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए नीचे कितना कचरा है, और देखिए चोरी हुई इतना वहाँ से भी हुई, और भी मैं दिखाऊँगा अभी चल के उस साइड में चोरी कैसे हुई थी। अच्छा, हम लोग का पानी जो है ना, खज्जान जो है, इसको बोलते हैं ना कुआँ, बलदिया का पानी आता है, गवर्नमेंट का पानी आता है उसमें, फिर वहाँ से मोटर लगा है, मोटर लग के पानी आता है ऊपर। उसके बाद देखिए ये पूरी सप्लाई है, ये पूरी हर रूमों की एक 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 सप्लाई है, जितना रूम है ना सबकी एक 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 सप्लाई है, तो रूम में पानी जाता है फिर। और देखिए इस साइड में देखिए पूरा कचरा है। ये देखिए मैं ये बिल्डिंग बता रहा था ना वहाँ से खड़ा होकर नीचे से, ये वाला बिल्डिंग में चोरी हुआ था। और ये हमारी बिल्डिंग में ना वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर शफ्ट है, शफ्ट ओपन है, मैं वीडियो बनाया हूँ, पूरी जानकारी दिया हूँ उसमें। तो ये बिल्डिंग में वो आया था नीचे से, वो सीढ़ी से आके ऐसे आके ना वो दीवार पे चढ़ के वहाँ से जाके चोरी किया था, उसके अंदर शिफ्ट के अंदर गया था। देखो कितना कचरा है, देख रहे हैं इतना सारा कचरा है भाई। ये हमारी बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहने की यहाँ पे हम लोग मजबूरी है, रहते हैं क्योंकि कंपनी रखी हुई है। और मेरे को तकरीबन 10 साल हो गया ये कंपनी में, लेकिन ऐसा रूम हम लोग को ना कंपनी कभी नहीं दी थी। लेकिन इस टाइम ना अभी थोड़ा सा मालूम नहीं, सस्ते के चक्कर में, पैसा खाने के चक्कर में आदमी लोग ये सस्ती बिल्डिंग लेके हम लोग को दे दिया, फंसा दिया। और नीचे आदमी लोग जाता है, मगरिब का जान हो जाती है भाई, कोई बाहर नहीं जाता है। मार्केट देखो वो है, ये देख रहे हैं ना सामने, ये गली है। इससे पहले मैं एक ब्लॉग बनाया था, जो पुलिस वाला एक बंदे को पकड़ा था, वो देख रहे हैं वो वहाँ पे बिल्कुल पकड़ा हुआ था। तो मार्केट कितनी दूर है, बिल्कुल सामने ही है। इतना किसी में दम नहीं है भाई कि शाम को मगरिब के बाद, मगरिब के और ऐसा के बीच में थोड़ा मोड़ा आदमी लोग रहते हैं, चला जाता है कोई, लेकिन ऐसा के बाद किसी में दम नहीं है यहाँ पे, ये पूरे इलाके में, कि वो वहाँ तक चला जाए, मार्केट में नहीं जा सकता भाई। और ये सामने मस्जिद भी है, मस्जिद है, पूरा आदमी लोग आता जाता है, ये पूरा रोड है, पूरा आदमी लोग पार्किंग यहाँ पे लगाता है, लेकिन कोई नहीं जा सकता। और ये फैमिली बिल्डिंग है, लेकिन चोरी होती रहती है, इतनी चोरी होती है ना भाई कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को, दिखाया हूँ मेरे हमारी बिल्डिंग के आजू बाजू में जितनी है ना बिल्डिंग, सब ऐसे ही है। देखिए ये भी एक बिल्डिंग है। तो चलो मैं अभी आप लोग कुछ मैं चल कर अपना रूम में दिखाता हूँ। और ये है मेरा रूम अभी, और साउथ काटा पीटी कर रहा है सब्जी। और ये है मेरी एक वॉशिंग मशीन थी, ये पूरी ख़राब हो गई है, इसको बस ऐसे रखा हूँ। नीचे टीवी थी, काफ़ी पुरानी टीवी है, बस ऐसे रखा हूँ इसको। और यहाँ पे सेफ्टी शूज़ वूज़ रखते हैं हम लोग, जूता उता, और थोड़ा कपड़ा उपड़ा है मेरा यहाँ पे मैं टांगा हूँ, जो ड्यूटी करने वाला मेरा कपड़ा है। और ये फ्रिज है, फ्रिज भी आप लोग को मैं दिखाता हूँ फ्रिज में क्या क्या रखा हूँ इस टाइम। ये नींबू है ऊपर, और थोड़ा सामान उमान है ऊपर, थोड़ा मटन उटन है, मुर्गी है, मटन है। और ये आज मैंगो लेके आया था, मैंगो रख दिया हूँ, सब्जी उब्जी है यही। और ये पानी का बाटल है, पानी वाला आता है तो हम लोग लेके रख लेते हैं। और ये यहाँ पे किचन का सामान है, और वो ये मैं अभी 2 दिन पहले कुछ फ्राई किया था तो तेल थोड़ा अच्छा था, तो इसको मैं रख लिया था, बोला जाने तो दोबारा फ्राई करेंगे। और ये पूरा मसाला वसाला है यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये एक एसी है मेरी ये पर्सनल एसी है, तो इसके ऊपर मैं पूरा सामान मान रखता हूँ। देखिए तेल वाला है, और एक ये समझ लीजिए यहाँ पे ना हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं। और मैं टॉयलेट दिखाता हूँ अपना, ये देख लीजिए ये मेरा टॉयलेट है, यहाँ बिल्कुल रूम में अटैच है। ये एक ये इधर भी वॉशिंग मशीन है, तो ये भी ख़राब हो गई है। तो ये टॉयलेट है एक छोटा सा, इसमें एग्जॉस्ट फैन ख़राब हो गया है, गीजर है तो गीजर काम करता है थोड़ा मोड़ा। अभी देखो साउथ यहाँ पे सब्जी धो रहा है, जो सब्जी लेके आया था तुराई। और यहाँ पे तनवीर सोता है, इधर मैं सोता हूँ, और ये मैं यहाँ पे बैठ के अपना एडिटिंग करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, इधर मैं बैठता हूँ तो अपना सब कुछ करता हूँ। और ये इधर असना का मोबाइल रखा है, ये इधर मेरा मोबाइल है, चार्जिंग लगा दिया था असना का। और ये हम लोग का थोड़ा सा एक बुक है, जो खाने पीने का हिसाब किताब रहता है, इसमें मेस वोस का हिसाब किताब रहता है ना, ये पिछले महीने का सब पूरा मेस का हिसाब किताब है, इसमें लिखते हैं हम लोग। एक कंबल है, कंपनी ने दिया था, एक गद्दा है, और तकिया है। और यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा कपड़ा है जो जुमे के दिन अक्सर पहनता हूँ। ये यहाँ पे इतना सारा सामान क्यों रखा हूँ, ये सब मेरी फैमिली थी ना इससे पहले, तो ये सब ना बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, तो मैं ये पूरा सामान यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त फैमिली आ सकती है तो फिर बाद में बाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है तब मैं सेव करके रखा हूँ। और एक ये बॉक्स इधर है, ये बॉक्स में, और ये तेल वोल है ये मेरा, और ये सर पे लगाने वाला, ये थोड़ा सा क्रीम उरीम है, और ये पावर बैंक है, सब यही चार्जिंग वर्जिंग करता हूँ, यहाँ पर सोता हूँ, और कभी कभी इधर सोता हूँ मैं। यही है मेरा रूम, और यहाँ पर तनवीर सोता है, और ये नीचे है, यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। अभी ये सब्जी उब्जी कट रही है, तो अभी ये तनवीर ना चावल को बना दिया है, ये देखिए चावल है, ये हम लोग चावल बना दिए हैं, थोड़ा सालन बचा था, वो मुर्गी कल बनाए थे तो वो गर्म कर रहा है, उसको खाएंगे, और सब्जी भी बना रहे हैं। और अभी जो सब्जी बना रहा हूँ ना, अभी मैं पूरा फुल उसका भी शूट करूँगा,
क्योंकि थोड़ा कैसे बनाता हूँ मैं तो दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए ये हम लोग ना कुटनी एक रखे हैं, ये कुटनी में ना लहसुन और अदरक उदरक मिर्ची उर्ची सब कूटते हैं इसे। हम लोग के पास कैलेंडर भी है, वो सामने उधर रखा हुआ है उसका, वो सिस्टम है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं यूज़ कराता हूँ, मैं ऐसे ही मेरे को सही लगता है। सो अभी देखिए चूरा वाला देखिए कितना साफ हो गया हम लोग का। अभी बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये सब साउथ काट पीट के रख के चला गया था। सब्जी है ये, नेनुआ हम लोग इसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग तुराई बोलते होंगे। ये नेनुआ है और ये प्याज वाज सब काट उट के नमक वमक सब कुछ रख के चला गया था। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी हम लोग ना चूल्हा और गैस ये दोनों ना रूम में रखते हैं, खाना पकाने के बाद उठा के सीधा रूम में, क्योंकि डोर ओपन रहता है तो किसी भी टाइम आके ये लोग ना काफ़ी सारा सिलेंडर काफ़ी सारा जो चूल्हा ये लोग चोर लोग ना आके यहाँ से चुरा लेके गया था। तो उसके लिए हम लोग बाहर नहीं छोड़ते, रूम में ही रखते हैं। ईद के दिन हम लोग पूरी यहाँ साफ़ सफाई किए थे तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नहीं तो लोग खाना बना बना के पूरी दीवार ख़राब कर दिए। तो अभी पतली गर्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ तेल डालने के लिए। और ये इतना इतना बड़ा तेल हम लोग ले जाते हैं 5 लीटर। तो अभी हम लोग ना कोई भी सामान बाहर नहीं रखते, सब उठा कर अंदर। सो अभी पतीली ना गर्म हो गई थी तो अभी मैं डाल दिया हूँ तेल। अभी तेल गर्म होता तो प्याज उठा के डालूंगा मैं। और अभी ये देखिए तेल ऐसे चेक करते हैं गर्म हुआ कि नहीं। आहा माशाल्लाह हो गया। सो अभी ये पूरी प्याज को उठा के डाल देते हैं। अभी देख लो हम लोग पूरा औरत वाला काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं ये बात बोला था, क्या करें हम लोग भाई इंडियन है ना, सबको सब कुछ पता रहता है। तो अभी देखो हम लोग सुबह ड्यूटी जाते हैं 5 बजे, अभी 4 बजे, 4 क्या समझ लो यहाँ पे 5 बजा था हम लोग को आते थे। आने के बाद फिर पतीली धोना, सब काटना, खाना पकाना, पूरा रूम साफ सफाई करना, बहुत काम रहता है यार। और दोस्तों देखिए अभी हम चले गए तो थोड़ा सा रूम में देखिए प्याज थोड़ा सा ना काली हो गई, थोड़ा सा पकड़ने लगी थी, वो तो अच्छा हुआ टाइम से आ गए देख लिए। तो अभी इसके अंदर ना मसाला डाल दिया है, लहसुन का और मिर्ची का जो कूटे हुए थे ना हम लोग उसको डाल दिए हैं। सो अभी ये सब्जी डाल दिया हूँ मैं, और सब्जी डाल के उसको चला ला दिया हूँ, और अब इसको ढाप देता हूँ तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद ये गल जाएगी। तो अभी हम लोग की सब्जी हो गई है, अभी मैं चूल्हा बंद करने जा रहा हूँ, फिर लेके चलता हूँ रूम पे अभी खाने के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को दिखाया था मैं फ्रिज में आम रखा था, तो अभी इसको निकाल दिया हूँ, अब इसको काटूंगा। तो भाई आम काट दिया हूँ, आम ना मेरे को बहुत पसंद है तो आम काट उठ दिया हूँ। अभी वो लोग गए रोटी लाने के लिए, रोटी लेके आते हैं तो फिर सफरा है, सफरा भी छाएंगे, फिर खाना खाएंगे और आप लोग को बताएंगे कैसा टेस्ट हुआ, ठीक है सब्जी का। सो अभी हम लोग बैठ गए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और ये बिलाल बनाया था, ये अंडा और क्या दाल उल डाल के कुछ बनाया था, और ये कल की सब्जी थी और ये आज सब्जी बनी है। तो अभी बिस्मिल्लाह करते देखते हैं कैसा बना है भाई, टेस्ट कैसा है आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अच्छी बनी सब्जी, लेकिन इसमें टमाटर नहीं डालना चाहिए था, टमाटर डालने से ना खट्टी हो जाती है थोड़ा सा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।